हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति। आज की क्लास के अंदर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर अटेंड करेंगे, दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक है, सबसे पहले तो हमें ये क्लियर होना चाहिए कि चाहे हम पेपर ए के लिए पढ़ रहे हो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल पेपर ए के लिए, या हम इकोनॉमिक्स ऑप्शनल पेपर बी के लिए पढ़ रहे हो, ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ज्यादा रेलिवेंट है। क्योंकि अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे हो तो यहाँ पे यूपीएससी ने काफी क्वेश्चंस पूछे हैं रिलेटेड टू डब्ल्यूटीओ। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे इसी डब्ल्यूटीओ के लेक्चर्स को अलग अलग क्लासेस पे डिवाइड करेंगे। एक क्लास के अंदर हम एग्रीमेंट्स वगैरह डिस्कस करेंगे डब्ल्यूटीओ के, एक क्लास के अंदर हम लोग पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे, एक क्लास के अंदर हम स्ट्रक्चर एंड सो ऑन जितना भी चीजें हैं हमारी रिलेटेड टू डब्ल्यूटीओ वो सब डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हैव अ लुक ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। देखिए, 2018 के अंदर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है रिलेटेड टू डब्ल्यूटीओ। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज दोहा डेवलपमेंट एजेंडा, एक्सप्लेन हाउ इट नेगोशिएटेड ट्रिप्स अमंग नेशंस। तो पहला तो आप लोगों से सीधा पूछा कि दोहा डेवलपमेंट एजेंडा क्या है। जिन लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं है कि व्हाट इज दोहा डेवलपमेंट एजेंडा, तो आस्ता आस्ता जब हम लोग मूव करेंगे आगे के जो सब टॉपिक्स है डब्ल्यूटीओ के, तो वहां पे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो अभी सिर्फ आप लोग देखिए कि डब्ल्यूटीओ के ऊपर कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, पॉइंट ये है। इस समय 2017 के ऊपर क्या पूछा गया, डू यू एग्री विद द व्यू दैट द हनीमून विद फ्री ट्रेड अंडर डब्ल्यूटीओ इज एट एन एंड, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। नंबर थर्ड, 2016 पे क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द स्टेलमेट इन द डब्ल्यूटीओ अबाउट सब्सिडीज इन लेस डेवलप्ड इकोनॉमीज डिस्कस। 2014 के अंदर क्वेश्चन आया गया है, With the Doha round of multilateral trade talks stalled, RTAs, that is regional trade agreements, have emerged as an alternative approach to increase trade, spur stronger economic growth and lower unemployment rates in the participating countries. Explain. ठीक है, ये चार क्वेश्चन अभी आप हम लोगों ने देखे। अगर आप इन चार क्वेश्चंस का ट्रेंड देखेंगे तो काफी लोग कई बार बोलते हैं कि यार इस साल WTO पे क्वेश्चन आया है या इस साल इस पर्टिकुलर टॉपिक पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है तो नेक्स्ट ईयर नहीं आएगा। तो अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे 2016, 2017, 2018 तीन सालों में लगातार आप लोगों को क्या दिखा, डब्ल्यूटीओ पे क्वेश्चन। तो यूपीएससी के एग्जाम्स में एक चीज ध्यान रखें कि अगर आपको एक क्वेश्चन इस साल के पेपर में दिख रहा है, इट्स नॉट नेसेसरी कि अगले साल वो आएगा या नहीं। ठीक है, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द एग्जामिनर कि वो डालता है या नहीं। ठीक है, वो पूछना चाहता है तो आएगा, नहीं पूछना चाहता तो। लेकिन आप लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि अगले साल क्या क्वेश्चन आएगा। तो आप लोगों की अप्रोच क्या होनी चाहिए, जितने भी हमारे यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन चीजों को आप लोग देखिए और वो सारे क्वेश्चंस आप लोग प्रिपेयर करके जाइए एग्जाम में। वहां से ओवरऑल आपको रेपिटेशन दिखेगी, बट अगर आपको ये लगता है कि मुझे ये टॉपिक लास्ट टाइम आया है इस बार नहीं आएगा, तो आप शायद गलत है। और स्पेशली जो लोग स्टेट पीएससी के लिए भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैंने भी अपने दो इंटरव्यूज में अपियर हुई हूँ स्टेट पीएससी जेके पीएससी के, तो वहां पे भी इकोनॉमिक्स ऑप्शन का सिलेबस सेम है। तो अगर आप लोगों को डाउट है कि हम लोगों के लिए ये कोर्स है, तो बिल्कुल आप लोगों के लिए भी कोर्स है, चाहे इकोनॉमिक्स ऑप्शन यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं बच्चे या आप लोग स्टेट पीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो ये दोनों कोर्स, ये जो पूरा इंटायर यूपीएससी का कोर्स है, ये आप सबके लिए रेलिवेंट है। अब देखिए 2014 पे एक और क्वेश्चन आया हुआ है जो यूपीएससी ने आप लोगों से पूछा है, एक्सप्लेन द ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स ऑफ डब्ल्यूटीओ, व्हाट आर द मेजर डिबेट्स रिलेटेड टू इट। 2014 का क्वेश्चन है। फिर 2011 में भी पूछा गया, What are India's gain under WTO regime with respect to service sector and global HICS model? Then last question, जो 2010 में पूछा गया, Describe the structure of WTO with reference to five main agreements. तो आप लोगों को overall अभी तक क्या पता चला कि WTO का जो topic है, that is quite relevant. ठीक है, exam point of view से ये बहुत important topic है, तो आप लोगों को prepare करना है। और आप जब WTO प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए एक एज भी डेवलप होगा। एज ये होगा कि जब आप लोगों को यूपीएससी के लिए या स्टेट पीएससी के लिए जीएस पोर्शन तैयार करना है, तो वहां पे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस में एक इंस्टीट्यूशन WTO भी है, तो WTO आपका ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाएगा। क्लियर। अब हम टॉपिक की तरफ मूव करते हैं।
सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए WTO है क्या। देखिए WTO की फुल फॉर्म क्या है, इट इज नोन एज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जब भी आपके दिमाग में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आता है तो एक चीज हमेशा दिमाग में आती होगी, इट्स अबाउट फ्री ट्रेड। हम लोगों के दिमाग में क्या आ रहा है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करती है, जो प्रमोट करती है किसको, फ्री ट्रेड को इन द इकोनॉमी, इन द इंटरनेशनल मार्केट, इन द ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। वो क्या करती है, फ्री ट्रेड को सपोर्ट करती है, प्रमोट करती है। तो जब हमने बोला कि एक ऑर्गेनाइजेशन फ्री ट्रेड को प्रमोट करती है तो इससे आपको क्या दिमाग में आएगा, इससे हमें दिमाग में आएगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, इट ट्राइज टू कर्टेल व्हाट ट्रेड बैरियर्स, ट्रेड बैरियर्स को लोअर डाउन करेगी, रिड्यूस करने की कोशिश कर रही है किसको, ट्रेड बैरियर्स को। और आप लोगों को ट्रेड बैरियर्स भी पता है कि ट्रेड बैरियर्स क्या होते हैं, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर। तो आई होप अभी आपको समझ आए कि WTO है क्या। तो WTO एक ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करती है, फ्री ट्रेड को प्रमोट करती है इन द ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। अब कैसे करती है, थ्रू द रिडक्शन ऑफ इन ट्रेड बैरियर्स। तो आप लोग आगे ये भी पता है आपको ट्रेड बैरियर्स क्या होते हैं, टैरिफ हो सकता है, नॉन टैरिफ बैरियर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को जिनको टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर के बारे में नहीं पता, उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो प्लीज उस क्लास को अटेंड करिए ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा क्लैरिटी डेवलप हो। तो WTO का एक आइडिया मिल गया आपको, अब इसको रीड आउट करिए कि WTO है क्या, जो अभी हमने देखा था उसी वही चीजें लिखी हुई है। WTO is an intergovernmental organization that regulates and facilitates international trade. क्योंकि ये क्या करती है, ये पूरे international trade को regulate करती है और उसको promote भी करती है WTO. अब ये established कब हुई थी, देखिए इससे पहले एक organization थी जिसको हम लोग क्या कहते हैं, GATT. GATT stands for General Agreement ऑन ट्रेड एंड टेरिफ। तो इससे पहले जो ऑर्गेनाइजेशन थी जो क्या करती थी, प्रमोट करती थी किसको, फ्री ट्रेड को, वो कौन सी थी, दैट इज GATT, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टेरिफ। अब यहाँ पे ही काफी सारी मीटिंग्स होती हैं इन एग्रीमेंट्स के अंदर, तो यहाँ पे एक मीटिंग थी जिसको हम लोग क्या कहते हैं, दैट मीटिंग इज नोन एज उर्गे राउंड। उर्गे राउंड जो कब से कब तक चला था, 1986 से 1993। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जब ये राउंड चला, उर्गे राउंड दैट इज फ्रॉम 1986 टू 1993, यहाँ पे ऑफिशियली एक बॉडी का डेवलपमेंट हुआ, एक बॉडी का स्टार्ट हुआ जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं WTO। और जब WTO यहाँ पे बनी उर्गे राउंड के अंदर, तो यहाँ पे WTO ने क्या किया, WTO ने रिप्लेस किया किसको, GATT को। तो अब आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि why WTO replaced GATT, क्योंकि हमारे पास अगर एक ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या कर रही है, जो ट्रेड को प्रमोट कर रही है, जो इंटरनेशनल ट्रेड के लिए बनाई गई है, तो हमें कोई नई बॉडी की जरूरत क्यों पड़ी। तो पहला तो क्वेश्चन ये आ रहा होगा, और ये बनी कब, ये भी ध्यान रखना, January 1, 1995 में बनी, which took the place of GATT as an effective formal organization, और इसके members कितने हैं, 164 members हैं, जो 98% of global trade को represent करते हैं। अब वापिस ये brief idea तो आप लोगों को मिल गया, अब वापिस अपने question में आते हैं। Question क्या आ रहा है दिमाग में, why WTO replaced GATT? एनी आइडिया, ठीक है, क्वेश्चन क्या है, वाई WTO replaced GATT? तो देखिए क्लियर है कि WTO से पहले क्या था, एक फोरम था जो इसको हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। बट अगर वो चीज थी तो हमें क्यों एक WTO जैसी ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत पड़ी, तो क्वेश्चन ये आता है। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए GATT की फॉर्मेशन कब हुई। GATT हमारा बना था थ्रू द जिनीवा ट्रीटी ऑफ 1946। ये ट्रीटी याद रखना, दिस ट्रीटी इज इंपॉर्टेंट। जब GATT जिनीवा ट्रीटी ऑफ 1946 के थ्रू बना, तो यहाँ पे क्या हुआ,
यहाँ पे जो क्या था, जो रिप्रेजेंटेटिव कंट्रीज थी, जो लोग वहां पे बैठे थे जिसने गैट बनाया था, दे आर ऑल फ्रॉम द डेवलप्ड वर्ल्ड। तो कहने का, अगर डेवलप्ड वर्ल्ड से ही सारे हैं तो डेवलपिंग वर्ल्ड जो बहुत मेजर चंक क्रिएट करती है इंटरनेशनल एरिया का, इंटरनेशनल वर्ल्ड के अंदर जो बहुत मेजर, जो मेजोरिटी में है, दैट इज डेवलपिंग वर्ल्ड, तो उसका क्या से रहा। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या याद रखना है, सबसे पहला पॉइंट कि जो गैट है वो बना था अंडर थ्रू द जिनीवा ट्रीटी ऑफ 1946, बट वहां पे जो रिप्रेजेंटेशन थी वो किसकी थी, दैट वॉज फ्रॉम डेवलप्ड वर्ल्ड। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इट डज नॉट, इट डिड नॉट रिप्रेजेंट व्हाट द डेवलपिंग कंट्रीज। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा पॉइंट, हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जब WTO भी बना या गैट भी है, इसका एजेंडा क्या था। इसका एजेंडा था कि ये लोग क्या करें यहाँ पे, इस और ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करे, फ्री ट्रेड को प्रमोट करे। हमने तो बोला कि हमें क्या चाहिए, वी वॉन्ट टू प्रमोट द फ्री ट्रेड इन द इकोनॉमी। बट जब हमने बोला फ्री ट्रेड, इसका मतलब क्या है कि टैरिफ रिड्यूस होना चाहिए, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस का रिमूवल होना चाहिए, तभी तो फ्री ट्रेड होगा। क्योंकि अगर मैं आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाती हूँ, आप मेरी कंट्री के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो, तब क्या होगा, दैट इज प्रोटेक्शनिज्म। बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, वी आर टॉकिंग अबाउट फ्री ट्रेड। बट यहाँ पे आप लोग याद रखना, रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शन वॉज नॉट सीन। Restrictions were not there. Clear? आप देखिए, इसके अलावा अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड की बात करें, तो जब भी हम इंटरनेशनल ट्रेड की बात करते हैं, ठीक है, तो मैंने क्या, मेरा क्लेम है कि चाइना क्या कर रहा है, चाइना अपने कंट्री में प्रोड्यूसर्स को क्या दे रहा है, एक्सपोर्ट सब्सिडीज। तो जो चाइना एक्सपोर्ट सब्सिडीज दे रहा है अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को, तो कहीं ना कहीं वो क्या करेगा, ड्यू टू दीज एक्सपोर्ट सब्सिडीज एक रिफ्ट क्रिएट होगी बिटवीन आर कंट्री एंड चाइना होगा। तो जब ये रिफ्ट हुआ, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या राइज हुआ डिस्प्यूट, डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो अगर इस तरीके के डिस्प्यूट्स अराइज हो, तो हम किसको अप्रोच करें, तो यहाँ पे गैट के अंदर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बॉडी क्या थी, एब्सेंट थी। और एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है यहाँ पे, देखिए आज की बात करें तो हम लोग ट्रेड किस किस पे कर रहे हैं, वी आर ट्रेडिंग इन गुड्स सर्विसेज एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ठीक है, पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, इन सब में हम लोग क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं। तो कहने का मतलब है, जो आज का ट्रेड है वो डाइवर्सिफाई हो चुका है गुड्स में, सर्विसेज में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड सो ऑन। लेकिन जो गैट था वो गुड्स, ट्रेड इन गुड्स को तो डील कर रहा था, बट ट्रेड इन सर्विसेज में कोई डील नहीं हो रहा था, ट्रेड इन आईपी पे कोई डील नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे जो इसका स्कोप था वो भी बहुत लिमिटेड था। बट आज के प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें, तो यहाँ पे हम लोगों को अगर ट्रेड इन सर्विसेज करना है, तो कौन रूल्स फ्रेम करेगा, ट्रेड इन आईपी हो रहा है तो कौन रूल्स फ्रेम करेगा, तो वहां पे हमारे पास कोई भी क्लैरिटी नहीं थी। दैट्स व्हाई WTO ने क्या किया, गैट को रिप्लेस किया। प्लीज रीड द पॉइंट्स टू हैव मोर क्लैरिटी। व्हाई WTO रिप्लेस्ड गैट, नंबर वन, बाय डेवलपिंग कंट्रीज इट वॉज सीन एज अ बॉडी मेंट फॉर प्रमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज। दिस वॉज बिकॉज जिनीवा ट्रीटी ऑफ 1946, इस ट्रीटी का नाम ध्यान में रखें, वेयर गैट वॉज साइंड, हैड नो रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम देन न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट्स एंड द सोशलिस्ट स्टेट्स। नंबर सेकेंड, इट लैक्ड इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर। नंबर थर्ड, इट डिड नॉट कवर ट्रेड इन सर्विसेज, सॉरी ट्रेड इन सर्विसेज एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा। इट अ स्ट्रॉन्ग डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म वॉज एब्सेंट। नंबर फाइव इज, अंडर गैट कंट्रीज फेल टू कर्व क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रेड। तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाई WTO रिप्लेस्ड गैट। अब हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ WTO की। ठीक है,
फंक्शंस अभी इसको हम रीड नहीं करेंगे, अभी तक हमने जितना पढ़ा उसके हिसाब से आप लोग मुझे बताएंगे वन बाय वन फंक्शंस क्या हैं। ठीक है, देखिए जब हम फंक्शंस ऑफ WTO की बात कर रहे हैं तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला कि गैट क्या कर रहा था। गैट गुड्स में तो डील कर रहा था बट सर्विसेज में डील नहीं कर रहा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे डील नहीं कर रहा। तो इसका मतलब गैट क्या कर रहा था, गैट बना रहा था रूल्स फॉर सर्विसेज फॉर गुड्स ओनली। तो गैट क्या कर रहा था, रूल्स बना रहा था फॉर गुड्स ओनली। तो यहाँ पे अब आप लोग मुझे बताइए WTO क्या करेगा। WTO रूल्स तो बनाएगा बट किस किस के लिए बनाएगा, फॉर गुड्स सर्विसेज एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो अब आप लोगों को पहला फंक्शन समझ आया। फिर हमने थोड़ी देर पहले देखा कि गैट के अंदर स्ट्रॉन्ग डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म जो था वो एब्सेंट था। लेकिन WTO में क्या हुआ, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए एक प्रॉपर प्रोसेस बना। तो यहाँ पे डिस्प्यूट रिजोल्व करने हैं उसके लिए भी हमारे पास कौन है, वी हैव WTO। अब यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है WTO को लेकर, वो ये है कि WTO बोलता है कि मुझे हमें क्या करना है, वी वांट टू प्रमोट फ्री ट्रेड। बट यहाँ पे वो लोग क्या कई बार क्या करते हैं कि जब ग्लोबल लेवल के ऊपर फ्री ट्रेड नहीं बनवा रहा होता तो ये क्या करते हैं, ये रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स को प्रमोट करते हैं ताकि एटलीस्ट उस रीजन के अंदर क्या हो सके, उस रीजन के अंदर क्या हो, फ्री ट्रेड का प्रमोशन हो पाए। तो यहाँ पे क्या हुआ, बेसिकली जब RTA बन रहा है, रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कंट्री साइन कर रही है। तो इन कंट्रीज को फोरम किसने दिया टू नेगोशिएट, ये जो फोरम दिया जा रहा है वो भी कौन दे रहा है, WTO। तो WTO के अगर फंक्शंस की बात की जाए तो नंबर वन फंक्शन आप लोगों के दिमाग में क्या आ रहा है, टू मेक रूल्स फॉर ट्रेड इन गुड्स सर्विसेज एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। नंबर सेकंड वो क्या कर रहा है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को प्रमोट कर रहा है। नंबर थर्ड आप लोगों के दिमाग में क्या आना चाहिए कि यहाँ पे जब भी हम बात करते हैं WTO की, ये क्या कर रहा है, ये कंट्रीज को फोरम दे रहा है ताकि वो लोग क्या कर पाए, नेगोशिएट कर पाए। तो प्लीज रीड दीज पॉइंट्स। नंबर वन, सेटलिंग रूल्स फॉर ट्रेड, द WTO establishes and enforces rules that govern international trade in goods, services and intellectual property. These rules aim to promote fair and open trade between countries. Number second, negotiating trade agreements. The WTO provides a forum for countries to negotiate trade agreements that further liberalize trade between them. Number three, settling trade disputes. When countries disagree over trade matters, they can bring their dispute to the WTO for settlement. ठीक है, this is settlement last में. तो आप लोगों को functions भी clear हो गए, function में आप लोगों को I hope कोई problem नहीं आ रही है। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ WTO की। देखिए सबसे टॉप पे जो होता है, यहां से एक क्वेश्चन भी आया जो अभी मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले PYQ दिखाया, आई होप 2010 का क्वेश्चन था, ठीक है वो स्लाइड चेक कर लेना। तो 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है स्ट्रक्चर ऑफ WTO पे, तो इसका मतलब स्ट्रक्चर तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बनता है। सबसे टॉप पे जो होता है दैट इज मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस, इसके अंदर तीन बॉडीज होती है, तीन सेपरेट बॉडीज होती है। नंबर वन इज द जनरल काउंसिल, नंबर टू इज द डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी एंड नंबर थ्री इज द ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी। और यहीं पे हमारी जनरल काउंसिल के अंदर ही हमारी तीन और बॉडीज होती है, नंबर वन गुड्स काउंसिल, नंबर टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी काउंसिल एंड नंबर थ्री इज द सर्विस काउंसिल। तो वन बाय वन हम इन सबको देखेंगे। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के कुछ की पॉइंट्स नोट डाउन करिए। सबसे पहली चीज, जो टॉप में जो बॉडी बैठती है अंडर द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ WTO वो कौन है, दैट इज द मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस। मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस में कौन बैठता है, जो मेंबर कंट्रीज है, कितनी मेंबर कंट्रीज है मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, 164 मेंबर कंट्रीज। इन मेंबर कंट्रीज के जो ट्रेड मिनिस्टर्स हैं वो कौन बनते हैं, दीज आर द
मेंबर्स ऑफ मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस, तो ट्रेड मिनिस्टर्स जितने भी मेंबर कंट्रीज है, अगर कल को एड ऑन हो जाती है या कोई मेंबर कंट्री डिलीट हो जाती है फ्रॉम WTO, तो मेंबर्स उसके अकॉर्डिंग क्या होंगे, चेंज होंगे. तो आप लोगों को क्या याद रखना है, जितने भी ट्रेड मिनिस्टर्स है किसके, ऑफ द WTO members automatically comprises the members of the ministerial conference of WTO. और यही चीज जो क्या है कि जितने भी ट्रेड मिनिस्टर्स है सारी मेंबर कंट्रीज के, ठीक है, ऑल मेंबर कंट्रीज के जो मिनिस्टर्स जिनको पोस्ट मिली है इन द मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस, इसका मतलब WTO क्या बात कर रहा है, WTO इज टॉकिंग अबाउट इंक्लूसिविटी, ठीक है, कि हम सबको साथ लेकर चलेंगे. तो ये जो नेचर है WTO का, ये इसको बाकी ऑर्गेनाइजेशन से क्या करती है, सेपरेट करती है. अब जो ये लोग मेंबर्स है 164 मेंबर्स ऑफ द WTO, ये लोग क्या करते हैं, ये कम से कम 2 साल में एक बार मिलते हैं ताकि ये लोग क्या कर पाए, रिव्यू कर पाए वर्क ऑफ द WTO का, सेट इट्स ओवरऑल डायरेक्शन एंड नेगोशिएट न्यू ट्रेड एग्रीमेंट. तो आप लोगों को याद रखना है मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस दिस इज व्हाट, दिस इज द टॉप बॉडी जो किसकी है, WTO की जो टॉप मोस्ट बॉडी है दैट इज मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस. इसमें कौन लोग आते हैं, 164 मेंबर नेशंस के जो ट्रेड मिनिस्टर्स है वो क्या बनेंगे, ऑटोमेटिकली दे बिकम द मेंबर्स ऑफ द मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस. मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस का काम क्या है कि इनको क्या करना है, एटलीस्ट 2 साल में एक बार मिलना है ताकि ये लोग क्या कर पाए, रिव्यू कर पाए वर्क ऑफ द WTO की, किस किस लेवल पे काम चल रहा है WTO का, क्या काम हुआ उस सबको क्या कर पाए, रिव्यू कर पाए, ओवरऑल डायरेक्शन बना पाए कि किस तरीके से काम चलेगा आगे, और जो नए ट्रेड एग्रीमेंट्स है उनको नेगोशिएट कर पाए. क्लियर. नंबर सेकेंड इज द जनरल काउंसिल. जनरल काउंसिल और मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस में फर्क क्या है, एक तो मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस क्या है, टॉप मोस्ट बॉडी है WTO की. दूसरा पॉइंट, मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस पे गवर्नमेंट में से कौन बैठते हैं, दीज आर द मिनिस्टर्स. लेकिन जब आप जनरल काउंसिल की बात करोगे, यहां पे कौन बैठेगा, यहां पे बैठेगी ब्यूरोक्रेसी. तो ये लोग क्या करते हैं, जो भी डे टू डे ऑपरेशंस है किसके, WTO के, उसको कौन सुपरवाइज करता है, इट इज द जनरल काउंसिल हु सुपरवाइजेस व्हाट द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन, डे टू डे एडमिन ऑपरेशंस ऑफ द WTO एंड रिपोर्ट्स टू द मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस. और आपको पहले ही मैंने चार्ट में भी बताया था कि जो मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस है उसके नीचे 3 बॉडीज हैं, जिसमें से एक बॉडी का नाम क्या था, जनरल काउंसिल. It comprises of senior government officials from all member countries, usually ambassadors or head of delegation in Geneva. मैंने आपको बताया bureaucracy, ambassadors कौन है, bureaucrats. फिर हम बात करेंगे डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी की. देखिए फंक्शंस पढ़ते समय हम लोगों ने देखा कि WTO क्या करता है, डिस्प्यूट अगर कोई भी अराइज हो जाता है रिलेटेड टू ट्रेड तो वो कौन सेटल कराएगा, दैट इज द वर्क ऑफ डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी ऑफ WTO. और जितने भी आपके WTO के मेंबर्स है वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाते हैं, दिस बिकम्स द मेंबर ऑफ द डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी ऑफ द WTO. फिर आपका आता है ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी. तो WTO को क्या करना पड़ता है, जो भी अपनी पॉलिसीज बनाई गई है WTO के द्वारा, जो काम WTO कर रहा है उन पॉलिसीज को पीरियोडिक रिव्यू किसके द्वारा किया जाता है, दिस रिव्यू किया जाता है WTO के द्वारा. तो ये जो पीरियोडिक रिव्यू करने का काम है ये भी कौन करता है, दिस वर्क इज डन बाय द ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी. दिस एम्स टू इनहांस ट्रांसपेरेंसी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेंबर्स ट्रेड रिजीम्स, आइडेंटिफाई एरियाज वेयर पॉलिसीज माइट नॉट बी फुली WTO कंप्लायंट एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू अ स्मूदर फंक्शनिंग ऑफ द मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम. क्लियर. अब हम बात करेंगे गुड्स काउंसिल की. देखिए जब मैंने आपको फंक्शंस बताए WTO के, मैंने वहां पे आपको एक चीज बताई कि WTO क्या करता है, डील करता है ट्रेड इन गुड्स के साथ, ट्रेड इन सर्विसेज के साथ एंड ट्रेड इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के साथ, दैट इज IP. अब WTO में क्या है, WTO में गुड्स को डील करने के लिए एक सेपरेट बॉडी है, सर्विसेज के लिए एक अलग बॉडी है और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए भी एक सेपरेट बॉडी है. जो बॉडी किसके साथ डील करती है, डील्स विद द ट्रेड इन गुड्स, उसको हम लोग क्या कहते हैं, दैट बॉडी इज नोन एज गुड्स काउंसिल. ठीक है.
और गुड्स काउंसिल क्या करेगी, जो भी एग्रीमेंट किसके साथ लिंक करेगा विद द ट्रेड इन गुड्स, उसको कौन उसको सुपरवाइज करेगा, दैट विल बी सुपरवाइज बाय द गुड्स काउंसिल। और आप लोगों को याद रखना है कि जब हमने बोला गुड्स काउंसिल ट्रेड इन गुड्स की बात की, जो एग्रीमेंट ट्रेड इन गुड्स के साथ लिंक है दैट इज गैट्स, पहला गैट, क्योंकि जो जब मैंने आप लोगों को डिफरेंस बताया था कि क्यों WTO ने रिप्लेस किया गैट को, तो वहां पे भी हमने यही देखा था कि गैट क्या करता था, गैट सुपरवाइज करता था किसको, ट्रेड इन गुड्स को, बट हम लोगों को सर्विसेज को भी सुपरवाइज करना था, हमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को भी सुपरवाइज करना था। तो इसी तरीके से जब हम लोगों ने बोला कि गैट किसको करता था, ट्रेड इन गुड्स को सुपरवाइज करता था, तो ओवरऑल अब गैट को कौन सुपरवाइज करता है, इट इज अ गुड्स काउंसिल विच सुपरवाइजेज द गैट, नंबर 1। और गैट के अलावा जो न्यू एग्रीमेंट्स आए, जिसमें एक एग्रीमेंट आप लोगों को याद रखना है दैट इज द एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, इसको भी कौन सुपरवाइज करता है, दिस इज अगेन सुपरवाइज्ड बाय व्हाट, दिस इज अगेन सुपरवाइज्ड बाय गुड्स काउंसिल। तो आप लोगों को याद रखना है गुड्स काउंसिल की जब भी बात आए तो ये किसको सुपरवाइज कर रहा है, एक गैट को सुपरवाइज किया जा रहा है, एक एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर को सुपरवाइज किया जा रहा है, क्लियर। इसी तरीके से हमारे पास सर्विसेज काउंसिल है, सर्विस काउंसिल की अगर हम बात की जाए तो यहाँ पे इसको इसका जो पूरा नाम है, इसको जो फॉर्मल नाम दिया गया है दैट इज काउंसिल फॉर ट्रेड इन सर्विसेज। यहाँ पे इट होल्ड्स अ सिमिलर पोजीशन, जैसे कौन कर रहा है, जैसे गुड्स काउंसिल एक पोजीशन होल्ड कर रही है, लेकिन फर्क क्या है, जो सर्विसेज काउंसिल है ये किसको सुपरवाइज करता है, इट सुपरवाइज व्हाट, इट सुपरवाइज ट्रेड इन सर्विसेज, क्लियर। अब यहाँ पे जैसे हम मैंने आप लोगों को बताया गुड्स काउंसिल का काम क्या है, दो एग्रीमेंट को सुपरवाइज करना, गैट को और एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर को। लाइकवाइज सर्विसेज काउंसिल किसको सुपरवाइज करेगी, इट सुपरवाइज गैट्स, गैट्स की फुल फॉर्म याद रखिए जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज, द मेन मल्टीलेटरल एग्रीमेंट रेगुलेटेड ट्रेड इन सर्विसेज, क्लियर। लास्ट इज द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी काउंसिल, जैसे गुड्स काउंसिल ने क्या किया, ट्रेड इन गुड्स को सुपरवाइज किया, आपका जो सर्विसेज काउंसिल है उसने क्या किया, ट्रेड इन सर्विसेज को रेगुलेट किया। लाइकवाइज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी काउंसिल क्या करेगी, आपका जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है दैट इज पेटेंट कॉपीराइट, इन सबको कौन रेगुलेट करेगा, इट इज रेगुलेटेड बाय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी काउंसिल, क्लियर। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी काउंसिल का भी आपको याद रखना है, जैसे गुड्स काउंसिल, सर्विसेज काउंसिल, जो थर्ड काउंसिल है दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी काउंसिल। द काउंसिल फॉर ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स सर्व्स एज द प्राइमरी बॉडी डीलिंग विद आईपी मैटर्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्रेड, इट ओवरसीज द इम्प्लीमेंटेशन एंड कंप्लायंस ऑफ द एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज ट्रिप्स एग्रीमेंट बाय ऑल WTO मेंबर्स। तो आपसे आप कोई पूछे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी काउंसिल किस किसको रेगुलेट करती है, इट रेगुलेट्स ट्रिप्स, ठीक है, कौन सा एग्रीमेंट आता है इसके अंदर, इट इज द ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, दिस एग्रीमेंट सेट्स मिनिमम स्टैंडर्ड्स फॉर प्रोटेक्टिंग वेरियस फॉर्म्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लाइक पेटेंट्स कॉपीराइट ट्रेडमार्क ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, क्लियर। तो दिस इज ऑल अबाउट योर स्ट्रक्चर ऑफ WTO। अब वापिस से हम एक बार क्वेश्चन देखते हैं जो 2010 पे आया है। देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो यूपीएससी ने आप लोगों से क्या पूछा, स्ट्रक्चर ऑफ WTO हम लोगों ने किया, ठीक है, बट यहाँ पे अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो यहाँ पे यूपीएससी आप लोगों से क्या पूछा, विद रेफरेंस टू 5 मेन एग्रीमेंट्स। तो अब आप लोग मुझे बताइए, हमने 5 मेन एग्रीमेंट देखे, ठीक है, इन डिटेल नहीं देखे बट हमने ये देखा कि कौन कौन सा, जैसे गुड्स काउंसिल है वो कौन से एग्रीमेंट के साथ डील करता है, सर्विसेज काउंसिल है वो कौन से एग्रीमेंट के साथ डील करता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी काउंसिल है वो कौन से के साथ डील करती है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे यूपीएससी ने आपसे पूछा भी है 5 मेन एग्रीमेंट्स के साथ, तो 5 मेन एग्रीमेंट्स में कौन कौन सा आपको लिखा, एक आप लोगों को दिखा गैट जो हमारा कहाँ था, ट्रेड इन गुड्स के अंदर, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, फिर हमें क्या दिखा, फिर हमें ट्रिप्स दिखा,
फिर हमें क्या दिखा, ट्रिम्स दिखा, और हमें क्या दिखा था, गैट्स दिखा था. तो अगर आप इसको काउंट करें, दीज आर फाइव एग्रीमेंट जो WTO में बात की जाती है. एग्रीमेंट के ऊपर हम लोग एक सेपरेट क्लास लेंगे, क्योंकि एग्रीमेंट वाली क्लास थोड़ी सी लेंथी होने वाली है. तो आप लोगों को क्या पता चला कि हमने इसी के हिसाब से स्ट्रक्चर डील किया. तो जब भी स्ट्रक्चर की बात आए विद रेफरेंस टू फाइव एग्रीमेंट, आई होप अब आप ये आंसर लिख सकते हैं. अब आप लोग क्या करेंगे, ये वाला जो आंसर है दैट इज PYQ 2010 का, देखिए 30 मार्क्स है, डायरेक्ट 30 मार्क्स मिल सकते हैं. अब आप लोग खुद से अटेम्प्ट करेंगे ये क्वेश्चन और इसको शेयर करेंगे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, जिसका लिंक आप लोगों को कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा. फिर आप लोग खुद से आंसर लिखिए, उसको शेयर करिए, और साथ में मैं आपको जो इसके बाद जो PYQ पे क्लास आएगी WTO पे, उस पे भी हम इसका मॉडल आंसर देखेंगे, कंप्लीट फ्रेम करके एक देखेंगे कि किस तरीके से लिखना है. तो आप लोग भी ट्राई करिए, और आप लोगों को पता है ना कौन सी शीट्स पे ट्राई करना है. जो शीट आपको UPSC प्रोवाइड करता है आप लोगों को इजिली अवेलेबल है, आपको UPSC की साइट पे भी मिल जाएगी, उसी उसी शीट पे अटेम्प्ट करिए.